हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाने वाले हैं बहुत इजी तरीके से प्यारा बैग। हम एक पुरानी जीन्स लेंगे। इस तरह की पुरानी जीन्स हर घर में होती हैं। अगर आपको थोड़ा भी सिलाई आती है तो इजीली इसे बना सकते हैं। ये लेग पोर्शन में से एक पीस काट कर ले लेंगे, हम उसी से बैग बनाएंगे। इसके लिए कोई बड़ी जीन्स की ज़रूरत नहीं है, लेडीज जीन्स हो तो इसे भी बन जाएगा। इस तरह की मोटी सिलाई काट लेंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। स्केल की मदद से सीधी लाइन कर लेंगे। फिर इसे काट लेंगे। तो देखिए, एक सिंगल पीस तैयार हो गया। इसका साइज 25x12 इंच का एक रेक्टेंगल पीस आ गया। अब इसके दो तरफ से शेप देंगे 3x3 का और काट लेंगे। फ्रेंड, जो चौक यूज की है वो कैमरे में नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं ब्लैक लाइन लगा दी है। अब चाहिए एक पीस लाइनिंग अंदर के लिए, तो मैं ली हूँ बुकरम, जो आयरन करने पर कपड़े पर चिपक जाता है। आप चाहे तो इसके जगह पर राइस बैग या आटा बैग ले सकते हैं। जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे। सबसे पहले स्ट्रैप कट कर लेंगे। इसका साइज 3x15 इंच है। इसके साइज के दो बुकरम पीस लेंगे, इस पर रख कर आयरन कर लेंगे। इस तरह के दो पीस तैयार हो गया। इस तरह मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। फ्रेंड, मेरे पास हाथ वाली मशीन है, इस पर सिलाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट कोई नहीं। ये देखिए, दो स्ट्रैप तैयार कर ले। अब लेंगे ऊपर की लाइनिंग के लिए पुराने कपड़े, इसके ऊपर रख कर इसे काट लेंगे। कटिंग करते समय थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए काटेंगे, क्योंकि कई बार सिलाई करने पर कपड़े छोटे पड़ जाते हैं। दोनों तरफ 3 इंच छोड़ते हुए स्ट्रैप के लिए पहचान लगा लेंगे। जीन्स के एक पॉकेट काट कर ली हैं, इस पर पिनअप कर लेंगे। फिर स्ट्रैप को पिनअप कर देंगे। इस तरह सिलाई कर लेंगे। पैकेट पर मैं लगाऊंगी लेस, आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इस तरह सिलाई कर लेंगे। इसके बाद जो ऊपर वाली लाइनिंग कट की थी, इसके ऊपर रख देंगे दोनों स्ट्रैप अंदर करते हुए। अब पिनअप कर लेंगे। इसके बाद दोनों तरफ सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, दोनों तरफ सिलाई कर ली। अब इस कपड़े को पलट लेंगे। अब देखिए, ये इस तरह बनकर तैयार हो गया।
जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे कट कर देंगे। फिर से करेंगे पिनअप चारों तरफ। इसके बाद करेंगे सिलाई। दोनों तरफ सिलाई करने के बाद इस तरह दोनों कॉर्नर को मिलाते हुए पिनअप कर देंगे। फिर सिलाई कर लेंगे। दोस्तों, मैं बार बार पिनअप करके इसलिए दिखा रही हूँ कि जो बिगनर है उन्हें सिलाई करने में आसानी हो। अब आपको पलट कर दिखाती हूँ। प्यारा सा बैग तैयार हो गया। आप चाहे तो इसके ऊपर सिलाई चला सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। हमारा प्यारा सा बैग रेडी हो गया। मैं इसमें लंच बॉक्स रख कर दिखा रही हूँ। आप चाहे तो इसको मल्टीपर्पज़ यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें।